2017 सीजी सेट का एग्ज़ाम है, ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सेकंड पेपर में स्टार्ट करते हैं 2017 सेट ज्योग्राफी विषय। संप्राय मैदान के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो डायरेक्ट हम आंसर को ही देखते हैं, फिर उसके बाद इसको ये समझने का प्रयास करते हैं। आंसर बी है, बी सी डी, संप्राय मैदान। इसको हम लोग पेनी प्लेन बोलते हैं, सही है। यह आवश्यक रूप से एक सपाट तल है, गलत। यह निम्न तरंगित उच्चावचन का क्षेत्र है, यह निम्न तरंगी उच्चावचन का क्षेत्र है, ठीक है। क्योंकि अपरदन के बाद जो नदियों के द्वारा या जो स्थलाकृतियों के अपरदन के उपरांत, अपरदन के बाद एक निम्न तरंगित उच्चावचन का क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। घाटी तल चौड़े होते हैं, चौड़े होंगे, ठीक है। अंतर सरिता क्षेत्र उन्नतोदर साधारण ग्रेडेड होते हैं, अंतर सरिता क्षेत्र उन्नतोदर, ये भी ठीक है। तो देखिएगा, अंतर सरिता क्षेत्र उन्नतोदर साधारण ग्रेड होते हैं, तो इसका आंसर ये भी होगा। तो आंसर है इसका बी सी डी, संप्राय मैदान। आप इसको अच्छे से समझ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, मगर ये तो है अंतर सरिता क्षेत्र उन्नतोदर साधारण ग्रेडेड होते हैं, ठीक है। उन्नतोदर अंतर सरिता होते हैं। निम्नलिखित में से समुद्र की उच्चावच उच्च से निम्न, समुद्र की जो उच्चावच है उच्च से निम्न आरोही क्रम में बताइए। उच्च से निम्न ये है आपका पर्वत, पठार, मैदान, समुद्र तल, फिर यह ढाल, गर्त, तो इस तरह से समुद्र तल है। अब बता रहा है कि आरोही क्रम में बताइए, तो इसका आंसर ये है। तो पहले आएगा महाद्वीपीय सेल्फ, फिर ढाल स्लोप, फिर आएगा समुद्री समतल, फिर गहराई गर्त। तो पहले सेल्फ आएगा, फिर ढाल आएगा, सेल्फ ढाल समतल गहराई, सेल्फ ढाल समतल गहराई, इसका आंसर होगा क्रमशः। पहले सेल्फ आ रहा है, फिर ढाल आ रहा है, फिर समतल आ रहा है, फिर गहराई आ रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इसका आंसर देखते हैं बी, बी है। दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर भू संरचनाओं का निम्न में कौन सा सही क्रम है, दक्षिण से उत्तर की ओर, है ना। तो इसका पहले क्रम आएगा भारत गांगे समतल मैदान, फिर आएगा हिमालय की श्रेणियां, फिर उसके बाद तिब्बती पठार आएगा, फिर अल्टन थेट, ये आपको सबसे ला ऊपर में उत्तरोत्तर में अल्टन टेग ये है, ठीक है। बस बाकी तो समझ में आ रहा है, ये बोल रहा है कि उत्तर भारत के मैदान, फिर उसके बाद हिमालय पर्वत है, उसके बाद तिब्बत है, उसके बाद है अल्टन टेग। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं, बी है इसका आंसर। तो मेटरहार्न जो है बर्फीली प्रदेश है, बर्फीला प्रदेश। गारा जो है ऊसर, और हमॉक जो है यह पेरी ग्लेशियल पार्ट होल, नदियों का प्रदेश, पार्ट होल, पार्ट है नदियों का, ऊसर है गारा। मैटरहॉर्न दिखाई दे रहा है बर्फीली प्रदेश, और हमॉक्स पेरी ग्लेशियल, पेरी ग्लेशियर, ठीक है। फिर
परी ग्लेशियर मतलब हम लोग जो है परी हिमानी जो बोलते हैं इसको, परी हिमानी। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा का है, तो दोनों की व्याख्या करता है और दोनों सत्य हैं, दोनों व्याख्या और दोनों सत्य। बिल या बरो बनाने वाले जानवर चट्टानों तथा चट्टानी खंडों को धीरे धीरे टूटने में सहायक होते हैं। बिल बनाने वाले जानवर चट्टानों में मुलायम भू संरचनाओं में बिल या सुरंग बनाकर अपना आवास स्थल बनाते हैं। ठीक है, मुलायम होते हैं इसका तो सहायक होते हैं इसका बिल बनाते हैं, दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर ए है केवल एओसी। एओसी महाद्वीपीय फिसल सिद्धांत के समर्थन में कौन से साक्ष्य हैं? जिग सा फिट विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्म, विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्म। कि महाद्वीपीय फिसल सिद्धांत के समर्थन में कौन से साक्ष्य हैं? जिग सा फिट और विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्म। जिग्सा फिट और है महाद्वीपीय जीवाश्म। ठीक है, एओसी एओसी। नदी अपनी चरम अवस्था में उनको नहीं है, मेंटल में संवहन और सियार मिट्टी में तापीय संकुचन, ये नहीं है। जिग्सा फिट और है फॉसिल। नदी अपनी चरम अवस्था में संभवतः डी सी डी सी डी। नदी अपनी चरम अवस्था में संभवतः क्या है? एक ऑक्सबोर झील का निर्माण करती है, ठीक है, एक बाढ़ वाली मैदान का निर्माण करती है। ठीक है, चरम अवस्था में, और ये मुहाना तो लास्ट में है, ये तो युवा अवस्था में ये आएगा। रोलिंग रोलिंग फोर्टीज है, ये रोलिंग फोर्टी तो जान ही रहे हैं कि पछुआ पवन है, और इसका आंसर है उच्च गतिक पश्चिमी हवाएं। पछुआ हवाओं को वेस्टली वाइंड कहते हैं, है ना, इसको हिंदी में पश्चिमी हवाएं कर दिया है। अब आता है अभिकथन नाइन नंबर का, इसका आंसर भी ये दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है। क्षोभमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान गिरती जाती है। ठीक है, बढ़ती ऊंचाई के साथ वायुदाब गिरता जाता है, तापमान गिरेगा, बढ़ती ऊंचाई के साथ वायुदाब गिरता जाता है। तो ये आंसर की जो है फाइनल आंसर की है उसके आधार पर ये बी इसका आंसर है। कॉपर्स के अनुसार जलवायु वर्गीकरण में मुख्य विभाजन आधारित है, इसका आंसर डी होगा, केवल ए डी ए और डी। मासिक एवं वार्षिक औसत तापमान पर और है वर्षण का मासिक और वार्षिक औसत। मासिक एवं वार्षिक औसत तापमान और वर्षण का मासिक वार्षिक औसत, ठीक है, इसमें आ गया औसत तापमान वार्षिक का और वर्षण तापमान वर्षण। ठीक है, तापमान वर्षण, बल्कि ये लोगों को नहीं किया, ऋतु तापमान को माना और वर्षण को माना। नहीं देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर सी है, पहले से हम सी कर लेते हैं। हरिकेन जो है, ये हरिकेन है कैरिबियन कैरिबियन कैरिबियन। टाइफून जो है चीन चीन चीन, ठीक है, हरी जो है कैरिबियन, टाइफून चीन, और चक्रवात जो है भारत, विली विलीज है ऑस्ट्रेलिया,
इजली है। हरी जो है कैरिबियन डांस करता है और टाई चीन है। बिली बिली ऑस्ट्रेलिया है। निम्न में पोषण स्तर का कौन सा आरोही अनुक्रम सही है? इसका आंसर होगा ए डी। पहले आरोही क्रम में आएगा मांसाहारी शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर शाकाहारी, फिर स्वपोषी। आरोही आरोही क्रम में, आरोही नहीं बोल रहा है, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में असेंडिंग। आरोही क्रम में नेक्स्ट देखते हैं। इसका आंसर सी है। यह है मजबूत जड़ और मजबूत तने, फास्फेट, हरी पत्तियों का विकास, पोटास और उच्च पैदावार। उच्च जो पैदावार है नाइट्रेट, फास्फेट में मजबूत जड़ और मजबूत तने, हरी पत्तियों का विकास, ठीक है, पोटास, उच्च पैदावार नाइट्रेट, ओके। 14 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। ए इसका आंसर है वेनेजुएला धारा जो है अटलांटिक महासागर, क्रोसियो धारा जो है वह प्रशांत महासागर। वेनेजुएला जो है अटलांटिक, अटका हुआ है वेनेजुएला। क्रोसियो धारा जो है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। मोजाम्बिक है हिंद महासागर और अंटार्कटिक ध्रुवगत है यहाँ। तो ये तो मोजाम्बिक तो इजी था हिंद महासागर में, ये भी ठीक है। आपको वेनेजुएला जो है अटलांटिक में याद करना है। क्रोसियो अगर देखते हैं, सी अगर हिंद महासागर होता तो क्या होता, सी में दो जगह बता रहा है, डी अगर चार है तो ये भी बता रहा है, अब यही खेल है। तो वेनेजुएला जो है अटलांटिक, ए का चार, ए का दो, ए का दो यहीं पर आ रहा है, ठीक है। हाँ ये आएगा अभी खत्म है। इसका आंसर ए है। अभी कथन है लवणता समुद्री जल की घनत्व को बढ़ाता है। लवणता जो है समुद्री घनत्व, सही है। अति उच्च लवणता वाले समुद्री जल में आदमी यथा यदा कदा ही डूबता है, ठीक है, मृत सागर जैसे कि। तो ये भी है, दोनों व्याख्या करता है। सोलह नंबर देखते हैं क्वेश्चन। इसका आंसर ए है। सत्य है व्याख्या करता है, दोनों सत्य है व्याख्या करता है। भू सतह की अपेक्षा सागरी सतह पर अक्षांशीय तापांतर कम होता है। भू सतह की अपेक्षा सागरी सतह पर अक्षांशीय तापांतर कम होता है, ठीक है। सागरों में सतही जलधारा तापमान को बराबर कर देती है, सागरों में सतही जलधारा तापमान को बराबर, ये भी ठीक है, ओके। बताया जा रहा है कि जो स्थल भाग है जल्दी गर्म जल्दी ठंडा हो जाता है, तो वहाँ पर तापांतर अधिक होता है, जबकि धीरे से ठंडा धीरे से गर्म, ये आपका जो सागरी सतह है तापांतर कम होता है, क्योंकि वहाँ जलधाराएँ भी चलती हैं। मानकी सिद्धांत में क्या सही है? मानकी सिद्धांत में क्या सही है? इसका आंसर है ए सी डी, मानकी सिद्धांत। इसमें निगमनात्मक विधि का उपयोग होता है या निश्चयात्मक विधि है, और अधिकतर कालजयी स्थिति सिद्धांत निश्चयता होती है, ठीक है, मानकीकृत सिद्धांत।
सही है, निगनात्मक निगनात्मक होता है, निश्चयात्मक होता है, और रिक्त काल जय सीधे सिद्धांत निश्चयात्मक होता है। ठीक है, इसका आंसर डी है। इसका आंसर बी है, ये बता रहा है दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं करता। जिसने फ्रांस में नई भूगोल की विकास का नेतृत्व किया वह ब्लास था। इसका आंसर सही, इनमें से भूगोल में सही रहा, इतिहास कालजय इतिहास भी सही, फ्रांस का जो था विडाला ब्लास जो है। ठीक है, दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट देखते हैं, 19 का है, कथन है इसका, तो इसका आंसर ए होगा, दोनों सही है, व्याख्या करता है। निर्धारणवादियों के मतलब लोग एक समान स्पष्टता, एक समान समाज अथवा ऐतिहासिक विकास में रहते हैं। ठीक है, मनुष्य के जीवन प्रत्येक पक्ष उसके आवासीय जीवन के भौतिक वातावरण के प्रभाव को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, अभी सही है, ये दोनों व्याख्या करता है। अब देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर बी है। संरचनात्मक संबंध है समीकरण, प्रतिमान निर्धारण जो है एल्गोरिथम, चर है स्थिरांक, विचलन है आश्रित चर, चर विचलन है तो चर। इसको देख लेते हैं, संरचनात्मक संबंध जो है समीकरण, संरचनात्मक संबंध जो है समीकरण है, संरचनात्मक संबंध जो है समीकरण है, प्रतिमान है एल्गोरिथम, चर है स्थिरांक है चर, और विचलन है चर। किताबों का नाम देखते हैं और इसके राइटर कौन है देखते हैं। किताबों का जो नाम है इसको देख सकते हैं, मगर ये जो प्रश्न विलोपित हो चुका था फाइनल आंसर की में विलोपित है, और ये भी विलोपित है, अब इसको मैं उतना ध्यान नहीं देता। अब देखिए 23 का है, तो टोटल 50 क्वेश्चन में दो प्रश्न विलोपित हुए थे, जो 2018 नवंबर में इसका फाइनल आंसर आया था, सेट एग्ज़ाम 2017 है, मगर फाइनल आंसर 2018 में आया था। 23 का बी है इसका, समूहन गेडिंग्स, हार्वर्ड गार्डन, जेफरसन प्राचीन शहर, क्रिस्टालर जो है मध्य स्थान, क्रिस्टालर का तो मध्य स्थान क्लियर है ना, क्रिस्टालर का मध्य स्थान, और जेफरसन का प्राचीन शहर, गार्डन हार्वर्ड गार्डन, गेडिंग्स समूह गैदरिंग कर रहे हैं यहाँ पर समूह बना के। ठीक है, निम्न चार शहर 80 डिग्री से 86 डिग्री अक्षांश के मध्य स्थित है, तो इसका आंसर होगा ए, 80 से अक्षांश में, 80 चार शहर मध्य स्थित है, इसका आंसर होगा ए, केगा इसका आंसर ये होगा है ना। दक्षिण से उत्तर की ओर जाते समय, दक्षिण से उत्तर की ओर जाते समय क्रम बताइए, तो पहले आएगा नालंदा, फिर आएगा पटना, फिर कानपुर, फिर लखनऊ,
दक्षिण से उत्तर की ओर, तो थोड़ा नालंदा, फिर पटना, फिर लखनऊ, नहीं नहीं फिर कानपुर, फिर लखनऊ। ठीक है, पहले तो हम लोग देखे हैं कि नालंदा, फिर लखनऊ, नहीं पटना, फिर कानपुर, लखनऊ पर। ठीक है, जनसंख्या भूगोल की किताब को कला काल क्रमानुसार अनुक्रम बनाइए बताइए, तो इसका आंसर ए है। ये है जनसंख्या भूगोल, पहले आया, फिर ज्योग्राफी ऑफ काउंटिंग वर्ड आया, फिर जनसंख्या भूगोल आया, जनसंख्या का भूगोल पहले आया, फिर जनसंख्या भूगोल आया, फिर लास्ट में भारत की जनसंख्या की समस्या। जनसंख्या समस्या लास्ट में ही आया होगा, फिर देख सकते हैं इसको। 26 का देखते हैं, मासिन बस्तियों के भीतरी और बाहरी, ये मलिन बस्ती होगा, भीतरी और बाहरी ज्यामितीय रूप में होती है। 26 का इसका भी है अनियमित, अनियमित होती है। ट्रांजिशन क्षेत्र, आधारभूत क्षेत्र, अपस्केल क्षेत्र, मलिन बस्ती, अनियमित। ठीक है, मलिन बस्ती अनियमित हो गया, इसमें दो है, ट्रांसमिशन क्षेत्र सेकेंडरी मॉडल, मॉडल की बात कर रहा है, ये 1000। ठीक है, आधारभूत क्षेत्र जो है आय वर्जन, अर्जन हो गया ये। निम्न को मिलाइए, निम्न को मिलाइए, तो इसका आंसर बी है, बी शहर साइज रचना संबंध, आंसर इसका बी है, 28 का बी है। तो देखिएगा बी में रैंक साइज रूल्स वह है शहर साइज रचना संबंध, फिर है सेकेंडरी जोन मॉडल जो है शहर केंद्र से दूरी पर आधारित, सेक्टर मॉडल जो है शहर के मुख्य केंद्र से दिशा और दूरी, बहु केंद्रीय मॉडल है छोटे खंड के भू उपयोग पर आधारित, छोटे खंड बहु केंद्रीय, छोटे खंड, छोटे छोटे खंड बहु केंद्रीय, शहर केंद्र से दूरी पर आधारित है सकेंद्री जोन, ये मॉडल है उसको बता, सेक्टर जोन है शहर के मुख्य केंद्र से दिशा की दूरी और आधारित। ठीक, ओके, इनमें से कौन सा नॉन इक्यूमेन क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र, मरुस्थली क्षेत्र, उच्च पर्वतीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र हो गया, मरुस्थली क्षेत्र हो गया, उच्च पर्वतीय क्षेत्र हो गया, नॉन इक्यूमेन क्षेत्र है ध्रुवीय, मरुस्थली, उच्च पर्वतीय, जबकि नदी घाटी मैदान तो है, पर्वतीय मरुस्थली ध्रुवीय, ये दोनों है, ये पूरी तरह से जैव जैविक जीवन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, 30 का देखते हैं, ए इसका आंसर है, दोनों सही है, व्याख्या करता है शुष्क क्षेत्रों में बस्तियाँ केंद्रित होती है, शुष्क क्षेत्रों में बस्तियाँ केंद्रित होती हैं, जल की कुछ एक स्रोत कई लोगों को आकर्षित करती है। ठीक है, शुष्क क्षेत्रों में बस्तियाँ केंद्रित होती हैं, जल की कुछ स्रोत कई लोगों को
आकर्षित करती है। आकर्षित कुछ शुष्क क्षेत्रों में बस्तियां केंद्रित होती हैं और जल कुछ स्रोत में आकर्षित करती है। ठीक, दोनों कठिन है, शुष्क क्षेत्र है ना। 31 का देखते हैं, 31 का बी है इसका आंसर। आदिवासी जो है मध्य प्रदेश, मोपलास जो है केरल, टोडर्स है नीलगिरी, अंगामीज है मणिपुर, जनजाति। 32 का सॉल्व देखते हैं। लो अयस्क धातु तो लिमोराइट है जो है लोहा, पाइराइट जो है तांबा और बॉक्साइट एल्युमिनियम होगा और मोनाजाइट जो है यूरेनियम होगा। ये जो सेट एग्ज़ाम हुआ था 2017 को, इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई किए थे, मतलब मैं किया था क्वालिफाई। इसमें है किसी प्रकार और पैदावार क्षेत्र, देखिएगा 33 का जो है ये इसका आंसर, हस्तांतरण क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र शिफ्टिंग, सीढ़ीनुमा कृषि जो है पहाड़ी, वाणिज्यिक जो है शीतोष्ण, निर्वाह क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, ये भी है। 34 का देखते हैं, सी इसका आंसर सी होगा, टोडा जो है नीलगिरी, मसाई जो है पूर्वी अफ्रीका, भोटिया जो है उत्तराखंड, खांसी जो है मेघालय। टोडा, नीलगिरी, मसाई, पूर्वी अफ्रीका, भोटिया, उत्तराखंड। सीमांत की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं, सीमांत की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं, इसका आंसर है केवल ए सी, ए और सी। यह अंतर्मुखी है, यह एकीकरण के बल का कार्य करता है। सीमांत कौन सी विशेषता है, तो यह अंतर्मुखी होता है, ठीक है, और यह एकीकरण के बल का कार्य करता है। सीमांत जो क्षेत्र है यूके, समझ लीजिए वो अंतर्मुखी के कार्य है ना, सीमांत है। निम्न कौन सी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है, 36 है तो इसका आंसर सी डी है, सी डी द्रविड़ भाषा है मलयालम और निकोबारी, जबकि सिहेली और ब्रवी नहीं है, मलयालम और निकोबारी जो है द्रविड़ भाषा है। सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सी इसका आंसर है। प्राइमेट सिटी के निम्नलिखित कौन से कथन सही है, सी ए और बी, ए और बी। प्राइमेट सिटी प्रदेश राज्य का एक समानता सबसे बड़ा नगर होता है, तो भी थोड़ा अजीब लग रहा है ये, प्रदेश बड़ा नगर कैसे होगा। चलिए आंसर, फाइनल आंसर में तो लिया है इसको ए बी। राज्य के अधिकांश वाणिज्यिक, औद्योगिक, शैक्षिक और राजनीतिक गतिविधियों में इसकी सर्वाधिक प्रधानता होती है, ठीक है ए बी। यह प्रदेश का सबसे प्राचीन प्रमुख, नहीं ये सही है ए बी। नीचे दो कथन दिए हुए हैं, 38 का सी इसका आंसर, सी है, ए सत्य है परंतु आर गलत है, ए सत्य परंतु आर गलत है। शहरीकरण का स्तर विकास का प्रामाणिक चिन्ह होता है, ठीक है, हाँ होता है। बढ़ती शहरीकरण में एक सीमित स्थान पर मानव जनसंख्या संयंत्रण में घटनापरक वृद्धि होता है, गलत, ये नहीं, ये तो सही होगा। निम्न सूचियों को मिलाइए बताइए, तो इसका आंसर होगा ए। सेकेंडरी जोन मॉडल जो है ई डब्ल्यू डर्गेस, सेकेंडरी जोन मॉडल। वेज सेक्टर मॉडल, वेज है तो होमर हायट, वेज है होमर, होम में वेज खाते हैं,
होमर, हायर, हायट, डेविस, डेविस के होम में वेज खाते हैं, वेज सेक्टर मॉडल है ना। और सेकेंडरी जोन मॉडल डर गेस, डरा हुआ है ये, डर डर गेस डरा हुआ है, तो ये सेकेंद्रित हो जाएगा, एक जगह सिमट जाएगा। अच्छी मॉडल जो है यह है गेलपिन, 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 अच्छी मॉडल, अच्छी गेलपिन, अच्छी 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 आ रहा है, तो आपको उसको पीना है, गेल जेल पीना है, जेल पीना है। बहु केंद्रीय मॉडल जो है, अब कोई भी ड्रॉप पी रहे तो हो, जेल पीना है, अच्छी अच्छी मॉडल, अच्छी मॉडल, गेल पीना अच्छा है, अच्छा ये भी बोल सकते हो, अच्छी है, अच्छा पीना है, अच्छा पीना है, आरओ का पानी पीना बोल रहा है, अच्छा पीना है। बहु केंद्रीय मॉडल जो है सीडी हेरिस, सीडी में बहुविधा देख रहे हैं, बहु 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 को सीडी में देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा सेकेंडरी है तो डर डर डर, वेज है तो डेविस के होम में वेज बनता है, अच्छी पीना है, और बहु केंद्रीय मॉडल, बहु केंद्रीय है तो सीडी, सीडी हेरिस, हेरिस बहु केंद्रीय, बहु हेरिस। भारत में उष्णकटिबंधीय वनों को अत्यधिक काटा गया है, जैसा कि बी बी सी, बी सी वे हमें अच्छे गुड़ वाली काष्ठ देते हैं, वनों में प्रवेश निषेध नहीं है, ठीक है, ये नहीं ये भी नहीं, ये दोनों होगा भाई। वहाँ पर आप प्रवेश निषेध नहीं है, मतलब आप जा सकते हैं, जंगलों में पिकनिक मना सकते हैं, तो वहाँ का वृक्षों को काटा जा सकता है, जहाँ वृक्ष, जहाँ इंसान पहुँचा तो वृक्षों को काटे गई हो। 41 का बी, दोनों सही हैं मगर व्याख्या नहीं करता। अधिकतर चक्रवातें भारत के पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट की अधिक प्रभावित होती, प्रभावित करती है, ठीक है, इस तट में ज़्यादा प्रभावित करेगा। अगर हम भारत का मैप बनाएं तो आपको इधर ज़्यादा प्रभावित करे, बंगाल की खाड़ी में है ना। भारत के पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापार पवन के रास्ते होता है, ठीक है, उत्तर पूर्वी जो है व्यापार पवन, नहीं ये गलत होगा, मतलब सही है, मतलब आख्या नहीं करता, उत्तर पूर्वी व्यापार पवन की रास्ते बढ़ता है, ठीक है, ठीक है। भारत में प्रतिस्थापित लौह इस्पात औद्योगिक प्रतिष्ठानों का कालक्रम दीजिए, तो इसका आंसर होगा बी, सी ए बी डी, सी टिस्को, ए इसको, बी एच सी एल, और है बी एस एल। कालक्रम बनाया, सबसे पहले टिस्को आया, फिर इसको आया, फिर उसके एस सी एल आया, सबसे बाद में भी आया, तो भी सबसे बाद ही में तो आएगा, ए बी सी डी में भी, ठीक है। 2011 में भारतीय जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात के आधार पर निम्न राज्यों को व्यवस्थित कीजिए, लिंग आधार के आधार पर। सबसे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से केरल होगा भाई, लिंग आधार, तो इसका आंसर तो यही होगा, देखते हैं एक बार, आंसर है केरल है, केरल के बाद तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद क्या है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश है, ठीक है। अभिकथन है, अभिकथन है क्या, ताप संवेदी वनस्पति आच्छादन से होकर गुजर सकता है, ताप संवेदी माध्यम से गुजर सकता है, ताप संवेदी जो है गुजर सकता है, ठीक है, अभी सही। हाँ, इनसेट सेटेलाइट को जो स्टेशनरी कक्षा में स्थापित किया गया है, ये भी, हाँ ये भी सही है, मगर ये दोनों का कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, आंसर बी है इसका। अभिकथन जो है इसका फिर से बता रहा, अभिकथन के बारे में, पूर्व आच्छादन संक्रियाएं जीआईएस के प्रमाणिक चिन्ह होते हैं, पूर्व पूर्ण आच्छादन संक्रियाएं प्रमाणिक चिन्ह होते हैं, पूर्ण आच्छादन है, ठीक है। बुलियन संक्रियाएं आच्छादन को समझने में सहायक होते हैं, बुलियन संक्रियाएं,
बुलियन संक्रियाएं, बुलियन मतलब बुलियन संक्रियाएं आच्छादन को समझने में, पूरी संक्रियाएं आच्छादन, ये भी सही है ना। अब व्याख्या कर रहे हैं, देखते हैं इसका आंसर की हिसाब से। हाँ व्याख्या कर रहा है, तो आंसर ए है, व्याख्या कर रहा है, दोनों सही है, व्याख्या कर रहा है। निम्न दो कथनों का अभिकथन कारण बताइए, तो इसका हम देखते हैं। सेफ फाइल एक सिंगर पिक्चर क्लास है, पिक्चर क्लास है, कवरेज और समझ नहीं आ रहा है इसका आंसर की, देखते हैं डायरेक्ट। इसका आंसर की है ए, मतलब ए सही है और ए गलत है। देखिएगा, सेफ फाइल एक सिंगल पिक्चर क्लास है, कवरेज सेफ फाइल का एक भाग है, कवरेज कहाँ से आएगा, गलत है ना। इसको तो याद रख लीजिए भाई, इसको तो थोड़ा सा समझ से परे लग रहा है ये, इसको तो आप समझ लीजिए, एक फीचर फाइल है सेव फाइल, मगर एक कवरेज से बाहर है। ठीक है, रिपीट कर दिया क्वेश्चन, तो क्योंकि रिपीटेड सेट में तो नहीं किया रिपीट, मगर यही आपको दूसरे एग्जाम में कर लिया। 47 जो है, 47 का डी, 47 का डी, इसका आंसर है डी। आर सत्य परंतु ए गलत है, आर सत्य है परंतु ए गलत है। WIFS का है, वाइल्ड वाइल्ड फील्ड सेंसर। WIF में एक फाइन स्पेस यूनिट होता है और बहुत बड़ा चौड़ा स्वात होता है ना। सब ये आपका GIS वाला है, जिसकी तैयारी तो मैंने की नहीं है, तो थोड़ा दिक्कतें हैं। हालांकि सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ हूँ 2017 में, तो लग रहा है कि अभी कठिन क्वेश्चन था। निम्न GIS के प्रकारों को मिलाइए, तो इसका आंसर बी है। बी मतलब क्लिफ जो है, इनपुट और प्रचलित फीचरों का एक ज्यामिति इंटरसेक्शन है। फिर है इंटरसेक्ट है फीचर का एक भाग जो परतों के लिए कॉमन होता है, आउटपुट के लिए होता है, ये इंटरसेक्ट है ना, नहीं है ना। और यूनियन जो है, इनपुट फाइल का एक ज्यामिति इंटरसेक्शन है, बफर जो है, इसका आंसर ये है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल जा रहा है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 49 का बी इसका आंसर है। रिलेशन डेटा है, ये आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में शायद इसका सिलेबस नहीं है, मतलब GIS वाला, ये सेट में तो है। आप इसको देखते हैं कि रिलेशन डेटा जो है, इसका आंसर ये, क्वाड ट्री जो है इसका आंसर ये, और इसका ये एरियल फोटो है, आइकॉनिक मॉडल। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, 50 का सी है इसका आंसर। पहले क्या आएगा, आरोही क्रम में आएगा, तो अनुपात, मध्यांतर, क्रम सूचक, नामिक। तो इस प्रकार से 50 क्वेश्चन जो है सॉल्व किया गया है। 50 क्वेश्चन 2017 का पार्ट है, मतलब पेपर सेकेंड है। अब पेपर जो ज्योग्राफी का थर्ड होगा, उसमें 75 क्वेश्चन है, इसमें 50 क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।